दमाम से नियाज साहब पूछते हैं, यकम रमज़ान को ज़कात का हिसाब करता हूँ और जल्द ही दे देता हूँ। अब हालात के पेश नज़र वक्त से पहले ज़कात देने का क्या तरीका है? जी, आज की सूरत हाल में ज़कात की अदायगी के लिए रमज़ान का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि रमज़ान का इंतज़ार जो है ना, वो सवाब के इजाफे के लिए और ज़्यादा सवाब मिलने के लिए किया जाता है। और आजकल के हालात में जब वो मुस्तहिकीन हर जगह है और ऐसे लोग जो रोज़ाना की दिहाड़ी पर गुजारे करने वाले हैं, उनके लिए कोई और ज़रिया नहीं है कफालत का। हुकूमतों की बस में भी ये नहीं है, कुछ हुकूमतें गैर फ़ाल भी हैं। तो ऐसी सूरत हाल में रमज़ान से पहले ही ज़कात की अदायगी करनी चाहिए और रमज़ान का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और इसमें सवाब भी इंशाल्लाह मिलेगा, उतना ही मिलेगा, बल्कि अगर उसूल को देखा जाए तो फ़ौरी ज़रूरत की वजह से ज़्यादा मिलेगा बनिस्बत उसके कि आप रमज़ान की ताखीर करें। अलबत्ता जो इन्होंने बात पूछी है, तो उसका मतलब बज़ाहिर ये है कि जब मेरा साल पूरा होगा तो उस वक़्त फिर अगर आमदन में कमी बेशी हो, तो उस हवाले से समझना चाहिए कि जो आपकी हकीकी तारीख़ है साल पूरा होने की, अगर उस तारीख़ पर आपकी आमदन इतनी ही हो जितने की ज़कात अदायगी के वक्त है या इससे कम हो, तो फिर आपको मज़ीद कुछ अदा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अल्लाह ताला ने आमदन में इजाफ़ा अता फरमाया और उस वक्त आपकी आमदन में इजाफ़ा आया हो, तो जो इजाफी मकदार है उसका भी 2.5% के हिसाब से ज़कात उस वक्त दी जाए।